क्या हिमांशु और आसिम ने अपनी शादी की तैयारियां शुरू कर दी है। हिमांशु ने एक ऐसी तस्वीर शेयर की है जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि शायद हिमांशु यही कहना चाहती है। क्या है वो तस्वीर, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, और उसके साथ जो उन्होंने मैसेज लिखा है वो भी बहुत खास है। तो सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाती हूँ। ये तस्वीर उन्होंने शेयर की है जहाँ सबकी नज़र जो है उनकी उंगली पर पहनी हुई इस डायमंड रिंग की तरफ ही जा रही है। तो ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी उन्होंने एक ऐसी तस्वीर शेयर की थी जिसमें उस पिक्चर की सबसे खास बात थी उनकी एंगेजमेंट फिंगर जिस पर उन्होंने डायमंड की रिंग पहनी हुई थी। आज भी उन्होंने ऐसी ही दो तस्वीरें शेयर की है और साथ ही एक मैसेज लिखा है, वो भी मैसेज मैं आपको पढ़ के बताऊंगी। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। हिमांशु और आसिम पिछले कुछ दिनों से साथ में है, चर्चा में भी है। चंडीगढ़ में उन्होंने म्यूजिक वीडियो शूट किया, फोटो शूट किया, तस्वीरें वायरल हुई, वीडियो वायरल हुआ। ये दोनों अपने फैंस के लिए लाइव पर भी आए और फैंस के सवाल जवाब का जवाब दिया, और बहुत सारी बातें जो है कि इन दोनों की जो है केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट की गई। लोग जो है इनके लगातार जो है हिमांशु फैंस जो हैं इन लोगों की तस्वीरों का इंतज़ार करते रहते हैं। अब हिमांशु ने जब ये तस्वीर शेयर की है साथ में एक मैसेज लिखा है। दरअसल उन्होंने एक ब्रांड जिसकी अंगूठी है उस ब्रांड से ये अंगूठी बनवाई है और कस्टमाइज करवाई है। लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात और सबसे खास बात यह है कि जिस ब्रांड की वो बात कर रही हैं वो जो है स्पेशलाइज्ड है एंगेजमेंट रिंग बनाने के लिए, और वो जितनी भी ब्राइड टू भी हैं, मतलब जो शादी कर रही हैं, बहुत ही जल्दी शादी करने वाली हैं, उनके लिए लिखती हैं कि ये जो ब्रांड है बहुत ही अच्छा है और यहाँ पे बहुत सुंदर एंगेजमेंट रिंग मिलती है, और मैंने अपने लिए ये अंगूठी कस्टमाइज कराई है जो कि बहुत खूबसूरत बनी है। तो उनके पूरे मैसेज का जस्ट ये है, भले ही वो उस ब्रांड का प्रमोशन कर रही हूँ लेकिन आप सोचिए जिस ब्रांड की वो बात कर रही हैं वो एंगेजमेंट रिंग का ब्रांड है। वो ब्राइड टू बी को कह रही हैं कि यहाँ पर बहुत अच्छा कलेक्शन, और साथ ही वो बता रही हैं कि कस्टमाइज हुई है रिंग। तो क्या ये स्पेशली उन्होंने अपने लिए कस्टमाइज कराई है, क्या स्पेशली आसिम का ये तोहफा है हिमांशु के लिए, या फिर हिमांशु ने अपनी शादी की तैयारियाँ शुरू कर दी है? क्योंकि ये एक जो तस्वीर है ना वो बहुत कुछ कह रही हैं। भले ही ऑफिशियली जो है वो ऐलान ना कर रही हूँ लेकिन क्या उनका इशारा जो है इसी तरफ है? आपको क्या लगता है कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लेकिन कमेंट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।